हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं लाई हूँ आपके लिए अमरूद की रेसिपी। इस टाइम अमरूद जो है खूब आती है मार्केट में। सर्दियों में ज़्यादातर अमरूद हर जगह मिलती है, तो अमरूद का सीजन है, तो अमरूद को सिर्फ अमरूद की तरह ही क्यों खाएँ, कुछ इसका अच्छा भी बना लेते हैं आज हम। तो मैंने दो अमरूद ले लिए हैं, उसको ऊपर से कट करेंगे। और आप देख सकते हैं अब इसके अंदर जो भी बीज है वो बाहर निकाल लेंगे। जब तक मैं बीज निकाल रही हूँ, प्लीज़ एक काम कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो तुरंत देख पाएँ। और कमेंट करके मुझे बताएं ज़रूर कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, तो प्लीज़ कमेंट करते रहें। तो इस तरह से हम इसके अंदर का जो पार्ट है वो निकाल लेंगे बीज, और इसको अंदर से क्लीन कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि चक्कू ज़्यादा गहरा ना लगे, आसपास लेवल रहे इसका। तो अब हम इसका सारा मटेरियल बाहर निकाल देंगे। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अब ये बीज सारे निकालने के बाद इसके अंदर जो है स्पेस काफ़ी हो जाएगा। तो ये रेसिपी मैंने एक बार नहीं, कई बार बनाई है, और कई बार मैंने ये घर में खाई है, बच्चों को खिलाई है, पिलाई है, तो बहुत टेस्टी लगती है। हमें जब भी हम अमरूद लाते हैं तो इसको ज़रूर बनाते हैं। तो ये हमारी अमरूद खाली हो चुकी है, और यकीन मानिए अगर आप वीडियो देखते हैं पूरी, तो जब भी अमरूद आएंगे तो आप ज़रूर बनाएंगे इसे। तो दूसरी अमरूद को भी हम ऐसे ऊपर से कट कर लेंगे और उसके अंदर के बीज और मटेरियल सारा बाहर निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं निकाल लिया मैंने। अब दोनों अमरूद हमारी खाली हो चुकी हैं और ये इनके ढक्कन भी इसी में से रेडी हो गए हैं। अब लेंगे मसाले। तो मैंने ले लिए हैं कम से कम ये लगभग 7-8 काली मिर्च हैं, और ये ले लिया है 1 चम्मच काला नमक। इस नमक में पुदीना, जीरा भुना हुआ, ये सब चीज़ें ऐड हैं। और 2 चम्मच लेंगे हम चीनी साबुत, और अब लेंगे हम आमचूर पाउडर 1 चम्मच। इसकी जगह आप नींबू भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास नींबू है तो आप नींबू यूज कर सकते हैं। और ये ले लिए मैंने किशमिश, गार्निशिंग के लिए ले लेंगे हम ये। और ये जो हमारा, जो हमने इसके अंदर का पार्ट निकाला था, उसको हम एक मिक्सिंग जार में डालेंगे। तो अभी ये टुकड़े काफ़ी बड़े बड़े हैं, इनको थोड़ा छोटा छोटा कट कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे कट करके इसको हम मिक्सिंग बोल में, मिक्सिंग जार में डाल देंगे। तो अब तक तो आपने अमरूद खाई है, आज से आप अमरूद पियेंगे भी और खाएंगे भी। और अब इसमें जो मसाले मैंने लिए थे, चीनी और काली मिर्च, आमचूर पाउडर, काला नमक, ये सब चीज़ें डाल देंगे। और इसको पीस लिया है मैंने, और इसमें अब डाल देंगे इसको हम। ये बहुत टेस्टी, जो इसके जो शेक बना है, शरबत बना है, ये इतना टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और बीज पिस जाते हैं इसमें, और साथ ही इसमें काला नमक, नींबू, आमचूर पाउडर, ठीक है, ये सब बहुत टेस्टी लगता है। अब इसकी मेन पार्ट है इसका, वो ये कि इसको लाल मिर्च, काला नमक और आमचूर पाउडर एक में मिक्स कर लें, आधा आधा चम्मच तीनों चीज़ें, और फिर वो इसके किनारों पे हम डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप इसको पहले तो पियेंगे फिर उसके बाद खाएंगे, तो आप अमरूद, एक ही अमरूद से खाना और पीना दोनों ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, ये अमरूद शेक प्लस अमरूद खाना। ओके, तो अब हम इसको गार्निश करेंगे किशमिश से। तो इसमें दो दो तीन तीन किशमिश डाल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हमारा ये परफेक्ट अमरूद